ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ओरिजिनल रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या बेनिफिट है। तो रुद्राक्ष के विषय में अगर कहें तो ऐसा माना जाता है, रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। जिस जिस धरती पे बूंदे गिरी और वहां पे जो पेड़ उत्पन्न हुए, उस पेड़ में से जो फ्रूट निकला वो रुद्राक्ष। ये नेचर के बीच में ही रुद्राक्ष प्राप्त होता है दोस्तों। ओरिजिनल जो रुद्राक्ष होता है वो नेचर के बीच में से प्राप्त होता है। 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष हमेशा फ्रूट में से ही निकलता है। रुद्राक्ष में एक मुखी से लेके 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो शिवमा पुराण ग्रंथ के अनुसार एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। अगर आप एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बना के पहनना चाहते हैं तो 1 मुखी से लेके 14 मुखी, गौरी शंकर और गणेश, ये 16 प्रकार के रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। इसका काफी जबरदस्त महत्व बताया गया है। उसके अलावा जैसे अलग अलग जो रुद्राक्ष है उनका कॉम्बिनेशन आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप वेयर कर सकते हैं। कस्टमाइज कवच बना के भी आप पहन सकते हैं। तो अलग अलग रुद्राक्ष है उसका अलग अलग महत्व है। आप 5 मुखी पहन सकते हैं, 8 मुखी पहन सकते हैं, 9 मुखी पहन सकते हैं। बच्चों को पहनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए लाभ लेना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए 4 मुखी 6 मुखी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। 4 मुखी बुद्धि के लिए होता है, 6 मुखी कार्तिकेय के लिए होता है। तो 4 मुखी बुद्धि वाणी के लिए और एजुकेशन के लिए 4 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त कार्य करता है। उसके साथ एक 3 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए 4, 6 और 3, ये 3 रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन बना के उनको पहनाइए, जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हेल्थ के लिए जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कॉम्बिनेशन 3 मुखी के 2 दाने, 5 मुखी के 2 दाने, 3 दाने सॉरी। तो ये जो 5 बीट्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आप और भी रुद्राक्ष में से अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, 10 मुखी रुद्राक्ष, वास्तु रिलेटेड अगर आप कोई निवारण चाहते हैं तो आप घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो इनसाइड के अंदर आप 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ कुछ स्पटिक दाने, टाइगर स्टोन का प्रयोग करके जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। और भी बहुत जबरदस्त उपयोग है रुद्राक्ष के, हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हेल्थ कवच अगर आपने पहना, अगर आप रुद्राक्ष के कवच पहनना नहीं चाहते हैं तो एक दूसरा बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, 5 मुखी के 5 दाने फ्रेश बीड फ्रूट्स में से निकाले, उनको क्लीनिंग किया, साफ किया, वाटर से क्लीन करके रात को कांच की ग्लास के अंदर 5 दानों को रात को भिगो के रख दीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 5 बीड्स को बाहर निकाल के वो पानी को आप ग्रहण करें। जैसे आप पानी को ग्रहण करेंगे, वाटर को ग्रहण करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर आपकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह करता है, आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रवाह करता है और एक एक्टिवेट करता है, जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप रुद्राक्ष के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं। सभी रुद्राक्ष महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग गोडेस के लिए, अलग अलग रूलिंग प्लेनेट के लिए काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे, जैसे अभी नवरात्रि आने वाले, नवरात्रि में माता जी का, शक्ति जी का आप उपासना करना चाहते हैं तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। 9 मुखी रुद्राक्ष का भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। शक्ति जी की उपासना कर रहे हैं तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। 9 मुखी स्पेशल 9 दुर्गा के लिए माना जाता है, 9 प्लेनेट के लिए, 9 ग्रह रिलेटेड अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो भी 9 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला गया है। आप अगर हनुमान जी के उपासक हैं दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ले रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे, एक एक सब्जेक्ट पे एक एक वीडियोस बनाते हैं, तो आज हमने सोचा नेचर के बीच में है तो क्यों ना कंटिन्यूअसली बहुत सारे जो अलग अलग कॉम्बिनेशन उनका एक ही वीडियो में आपको बेनिफिट देखने को मिले, फिर आप डिटेल में भी देख सकते हैं। हनुमान जी के आप अगर उपासक हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्पेशली हनुमान जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। 11 मुखी और 14 मुखी दोनों हनुमान जी के लिए माना जाता है, लेकिन स्पेशली 11 मुखी हनुमान जी के लिए माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष का पेंडेंट बना के गले में धारण कर सकते हैं या पूजा स्थान में रख के भी आप जबरदस्त लाभ ले सकते हैं।
अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में हो, गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, राजनीतिक में हो और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बारामुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बारामुखी रुद्राक्ष बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बारामुखी रुद्राक्ष होता है रूलिंग प्लैनेट सूर्य। अगर आप सूर्य को बलवान करते हैं तो आपको राजनीति में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का जो काम करता है वो ट्वेल्व मुखी रुद्राक्ष करता है। ट्वेल्व मुखी रुद्राक्ष डेफिनेटली राजनीति क्षेत्र में है, टीचर्स है या गवर्नमेंट जॉब की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन लोगों को बारामुखी रुद्राक्ष डेफिनेटली प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही बहुत रोचक जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।